प्यारे बच्चों, आज हम किसी सॉल्यूशन का पीएच परीक्षण किस तरह से करते हैं इसके बारे में जानेंगे। पीएच पेपर के द्वारा ज्ञात की जाती है, जिसे यह पता लगाते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। इसके लिए हम एक पीएच पेपर स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं और परख नलियों में तीनों प्रकार के द्रव ले लिए जो अम्लीय, क्षारीय व उदासीन हैं। पीएच पेपर के ऊपर ये रंगों की पट्टी बनी होती है जिस पर पीएच वैल्यूज लिखी होती हैं 1 से लेकर 14 तक। हम जानते हैं कि 7 पीएच उदासीन द्रव की होती है, 7 से अधिक पीएच क्षारीय विलयन की होती है, 7 से कम अम्लीय विलयन की। इसके लिए मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड व पानी लिया। पहले पीएच पेपर की एक स्ट्रिप को मैं पहली परख नली में डुबोता हूँ और उस पर आए रंग का मिलान रंगों की पट्टी से करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि 5 और 6 से यह रंग मिल रहा है, अर्थात यह पीएच मान 7 से कम है, तो पहली परख नली में जो द्रव है वह है अम्लीय है। अब मैं दूसरी परख नली में पीएच पेपर की एक पट्टी को डुबोता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गहरा नीला बैंगनी रंग आया, जो कि 7 से अधिक पीएच वैल्यू को प्रकट करता है, अर्थात दूसरी परख नली में विलयन अक्षारीय प्रकृति का है। अब मैं एक और स्ट्रिप को तीसरी परख नली में डुबोता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो रंग आया है वह 7 नंबर के रंग से मेल खाता है, अर्थात यह एक उदासीन द्रव है। इस प्रकार बच्चों, रंग देखकर हम पीएच पेपर की सहायता से यह पता लगा सकते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है और वह द्रव अम्लीय, क्षारीय या उदासीन कौन सा है।